हाँ देखिए, तो ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी पर बेस काफी अच्छा प्रॉब्लम है कि आपका एक कारपेट है पूरा, पहले ये जो फोल्डेड एंड है ये भी स्ट्रेट था, शुरू में कारपेट पूरा ग्राउंड पे था, ठीक है, फिर किसी ने इसको आप यहाँ से फोल्ड करके खींचना शुरू कर दिया, तो किसी टी टाइम पर ये सिचुएशन है और वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट लेट से पी, तो इस पी पॉइंट की वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, जो कॉर्नर पॉइंट है, इस तरह से इसको पुल किया जा रहा है, और एक लाइन और ऐड कर लेंगे इसमें, लेंथ ऑफ दिस फोल्डेड पार्ट इज नेग्लिजिबल, लेंथ ऑफ फोल्डेड पार्ट इज नेग्लिजिबल, ये और आप ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद अब आप ट्राई करिए इस प्रॉब्लम को पहले एक बार और फिर बताइए। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स एक ऐप में स्टोर्ड है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कंप्लीट 11th 12th सिलेबस, हर टॉपिक फुल एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए तो प्रॉब्लम पर आते हैं, तो इस पी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड, और कांस्टेंट है, और आपको निकालनी है किसी भी इंस्टेंट पर ये जो मूविंग पार्ट है इसका सेंटर की वेलोसिटी क्या हो। तो देखो ये कोई रॉड नहीं है ना कि इसकी लेंथ फिक्स है, तो हर पॉइंट 20 फीट से ही चल रहा है, तो ये ध्यान से करेंगे आप, यहाँ पर इधर से भी लेंथ ऐड होती जा रही है इस पार्ट, तो इसका ये जो पार्ट है एक तरह से ये इसके साथ आगे जाने की कोशिश करेगा, लेंथ होके सेंटर को पीछे शिफ्ट करता जाएगा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी इस सेंटर मूविंग पार्ट का जो सेंटर है उसकी क्या होने वाली है, तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को एक बार देखें ध्यान से, कि जैसे मान लो किसी इंस्टेंट पे कारपेट का ये पॉइंट इस तरह का है ना, ये फोल्डेड पार्ट यहाँ पर, तो मुझे बताओ पहले ये जो कारपेट का ये फोल्डेड ये वाला जो पार्ट है पहले ग्राउंड पे ही था, तो लेट से इसका जो कॉर्नर पॉइंट था ना उसको फिक्स पॉइंट को ग्राउंड पर मैं उसको ओरिजिन मान लेता हूँ, ठीक है ना, जो ये पॉइंट था लेट से इसकी लेंथ मान लेते हैं अपन एक्स से है, तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, चेक करना एक बार, ये पी पॉइंट वही था यहाँ पे था शुरू में वो पॉइंट पर, तो फिर आपने इसको पुल करना शुरू कर दिया, तो ये जो है यहाँ पे था उस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन बोल दूँ तो दिस लेंथ एक्स, देन दिस लेंथ विल ऑल्सो बी एक्स बिकॉज फोल्डेड पार्ट नेग्लिजिबल बता रखा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को। तो अगर ये पी पॉइंट की वेलोसिटी आपको पता है, ठीक है ना, तो कैसे बताएं, देखो वेलोसिटी को आपको पता है फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन ही क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए आप, तो जो पी पॉइंट है इसकी वेलोसिटी को मैं डी एक्स पी बाई डी टी बोल सकता हूँ क्या, तो ये आपको दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ द सेंटर मूविंग पार्ट इज, ये देखो देखा डायग्राम में दिखा रखा है 1 मीटर पर सेकेंड, तो इसको वी मान लेते हैं, लेट से वी है, तो दिस विल बी इज इक्वल टू वी एक्स पी को मैं क्या लिख सकता हूँ किसी भी टाइम पे 2x लिख सकता हूँ क्या बेटा, एक्स पी को मैं 2x लिख सकता हूँ, ये टर्निंग पॉइंट है इस प्रॉब्लम, तो यहाँ से मुझे डी एक्स बाई डी टी मिल जा रहा है वी बाई टू के बराबर, ठीक है। अब क्या है, आप उसका सेंटर की डिस्टेंस तो लिख ही सकते हैं ना यहाँ फिक्स पॉइंट से, किसी भी टाइम पर ये डिस्टेंस तो हो गई एक्स बाई टू, तो ये जो सेंटर सी मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा किसी भी टाइम पर, एक्स प्लस एक्स बाई टू, 3x/2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डी एक्स सी बाई डी टी इज इक्वल टू 3/2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी क्लियर है ना बेटा, इसकी मैंने कोऑर्डिनेट लिख लिया ओरिजन से, तो उसका डिफरेंशिएशन ही तो वेलोसिटी होता है, दैट इज इक्वल टू 3x/2, तो डी एक्स सी बाई डी टी किसके बराबर हो गया यहाँ से, 3/2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया वी बाई टू, तो आंसर हो गया 3V/4, अगर वी को 1 बोलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4 मीटर पर सेकेंड, तो देखो बिल्कुल मैंने बेसिक डेफिनेशन यूज किया वेलोसिटी के, इसके अलावा कुछ नहीं किया इसने, कि एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है, अगर वो पॉइंट मूवेबल है तो फिर उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बोली जाएगी, अगर फिक्स पॉइंट है तो दैट विल बी द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, चलिए वेरी गुड।